तो जैसा कि इस टाइम पे आप अपनी वीडियो स्क्रीन के ऊपर पांच फोन यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो सबसे पहला फोन है वो है आईफोन 16 प्रो जिसके अंदर iOS 18 रन कर रहा है, और दूसरा फोन है हमारे पास Google Pixel 8 जिसके अंदर Android 15 रन कर रहा है, और तीसरा फोन है हमारे पास OnePlus 12 जिसके अंदर ऑक्सीजन OS 14.1 यहाँ पे रन कर रहा है, और फोर्थ फोन है हमारे पास Xiaomi का Poco जिसके अंदर इस टाइम पे हम हाइपर OS यहाँ पे रन कर रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास Samsung का Galaxy S24 Ultra जिसके अंदर हम UI 6.1.1 यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन पांचों ही फोन्स के अंदर जो AI के फीचर हैं उनको यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किसके AI के फीचर्स जो हैं इन पांचों ही अलग OS के अंदर आपको बेटर देखने मिलते हैं। ये चारों फोन एंड्रॉइड के ऊपर रन करते हैं और ये iOS के ऊपर रन करता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है AI के फीचर जो है हम iOS में टेस्ट करेंगे, iOS 18 iPhone 16 Pro के अंदर। तो यहाँ पे जैसे आप इसके एडिट के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे आपको AI क्लीनअप का टूल यहाँ पे देखने मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे AI क्लीनअप जो कि इन्होंने iOS 18 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जैसे कि इसमें दिखाया जो काफी सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं, इसमें से आप किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो उस पर पिंच टू पिन या जूम करके आप कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं पर्सन को, और उसके बाद जो अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो अब आपको यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। बट अगर रिजल्ट देखें तो इतने एक्यूरेट रिजल्ट देखने को नहीं मिलती है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको ब्लरी मोड यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी तरीके से चलो इस इमेज पे भी हम ट्राई करते हैं और कुछ इस तरीके से करते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अभी जो है इसके अंदर सिर्फ क्लीनअप का ही टूल यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके थ्रू जो है आप किसी पर्सन को अपने ग्रुप में से वहां से रिमूव कर सकते हैं, इवन फेसेस को भी ब्लर कर सकते हैं। तो अगर आप फेसेस को ब्लर करना चाहें और पर्सन को रिमूव नहीं करना चाहते तो सिर्फ जो है आप फेस पे कुछ इस तरीके से टैप करेंगे, उसके बाद जो है ये फेस को ब्लर कर देगा। आप देख पा रहे होंगे सेफ्टी फिल्टर जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरीके के iOS 18 के अंदर जो है ये फीचर आपको देखने मिलते हैं, इससे ज्यादा अभी यहाँ पे AI के फीचर आपको गैलरी में देखने को नहीं मिले हैं। तो ये देख पा रहे होंगे ये है Google Pixel 8 जिसके अंदर Android 15 रन कर रहा है, और उसी इमेज को हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो अब इसके अंदर चेक करते हैं किस तरीके से काम करता है। तो एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे तो एडिट के ऑप्शन में जो है आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अनब्लर, इनहेंस या डायनेमिक वगैरह। तो जैसे अनब्लर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्रॉप पे जा सकते हैं, टूल्स में जा सकते हैं, एडजस्ट में जा सकते हैं। तो ये देखिए टूल्स में यहाँ पे आपको यहाँ पे मैजिक इरेजर मिलता है। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप करेंगे ये जो है फाइंडिंग सजेशन करेगा, अपने आप जो है सारे ग्रुप को जो है चेकआउट करेगा और आपको वहाँ पे सजेशन देगा किन किन चीजों को आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, उनको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जिस पर्सन को यहाँ पे रिमूव करना है उसको सर्कल कर दिए। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से सर्कल करते हैं और उसके बाद जो है ये डायरेक्टली जो है यहाँ से रिमूव कर देगा। तो कुछ इस तरीके से आप इनको यूज करते हैं, आप कैमरा फ्लो को यूज करना चाहते हैं तो उसको भी यूज करते हैं, जैसे सर्कल टू करते हैं इसको हम, और उसके बाद चेक करते हैं किस तरीके देख पा रहे हैं कुछ उसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो उस इमेज के ऊपर दे दिया। तो कुछ इस तरीके की चीजें जो है आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको गूगल के फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। बाकी और भी काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पे अनब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप अनब्लर करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से अनब्लर हो जाता है। बट ये ठीक तरीके से भी काम नहीं है, एंड्रॉइड 15 जो स्टेबल रिलीज होगा उसके अंदर ही आपको काफी सारी चीज मिलेगी। तो कुछ इस तरीके के अंदर भी रिमूव पीपल्स के आपको यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू जो है मैजिक इरेजर के थ्रू आप इन टूल्स को यहाँ पे यूज करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सजेशन में आपको काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे इनहेंस करना चाहते हैं या डायनेमिक रेंज करना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे AI के इसके अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो थर्ड फोन जो है हमारे पास है वो है OnePlus 12, और इसके अंदर हम ऑक्सीजन OS 14.1 यहाँ पे रन कर रहे हैं, और फाइनली जो है इसके अंदर भी एक AI का जो है अपडेट आपको देखने को मिला है। तो ये देखिए एडिट के ऑप्शन में हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे AI इरेजर का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ तीन टूल मिलते हैं, स्मार्ट लेजो, पेंट ओवर या रिमूव पीपल। तो ये देखिए रिमूव पीपल हम जैसे ही टैप करेंगे उसके बाद जो ये सारी चीजों को सर्च करेगा, और जितने इन पीपल को आप रिमूव करना चाहते हैं उनको आप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप स्मार्ट लेसो टूल के थ्रू भी इनको रिमूव कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने इनको रिमूव करना है, आप इनके ऊपर टैप करेंगे और उसके बाद जो है ये देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, और इसने उन सभी पर्सन को यहाँ पे रिमूव कर दिया। पर अगर आप देखेंगे तो ग्रास जो है थोड़ी सी यहाँ पे ब्लरी हो गई है, इतने अच्छे तरीके से इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला। इवन जो है आप स्मार्ट लेसो टूल से भी जो है किसी को रिमूव करना चाहें तो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है इसको रिकोगनाइज करेगा और आप इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके ने एनिमेशन के साथ यहाँ पे रिमूव किया है। तो OnePlus के अंदर ऑक्सीजन ओवर्स के अंदर आपको तीन टूल मिलते हैं, स्मार्ट लेसो, पेंट ओवर या रिमूव पीपल। तो कुछ इस तरीके से AI इसका काम करता है। अब ये है हमारे पास फोर्थ फोन जो कि Xiaomi का Poco डिवाइस है, जिसके अंदर हम हाइपर OS रन कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए इसके एडिट के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बेसिक, क्रिएट या ब्यूटीफाई। आप क्रिएट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक इरेज का ऑप्शन मिलता है। अब इरेज में आप इसको मैनुअली यूज करते हैं या फिर प्रो मोड भी इसके अंदर आपको एक फीचर मिलता है इसकी गैलरी के एडिटर के अंदर। तो देखिए अगर प्रो मोड पे हम जाते हैं तो ये प्रो मोड पे मैंने टैप किया, वहां पे मैनुअली रिमूव ऑब्जेक्ट लाइंस या रिमूव पीपल।
तो ये देखिए, जैसे मैं रिमूव पे टैप करूंगा ये सारे के सारे चीज़ों को कलर कर देगा, जिसको भी आपने रिमूव करना है उस पर टैप कीजिए और उसको यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे थोड़ा सा जो है ग्रास में आपको एक ब्लर सा बैकग्राउंड यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो इसके अंदर भी आपको रिमूव ऑब्जेक्ट मैनुअली करना चाहें तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैनुअली हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से और इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, तो देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती हैं। इवन और भी काफी सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इवन हाइपर ओएस के एआई के अंदर जो आपको और भी काफी सारे फीचर मिलते हैं। अगर आप एडिट में जाएं और ब्यूटीफाई में जाएं तो आप इनके फेस में कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। स्लिम करना चाहते हैं तो स्लिम कर सकते हैं, देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का स्लिम इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। आपको इसके आईज या नोज लिप्स में कुछ चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं बॉडी के अंदर, शोल्डर्स के अंदर, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको लगता है शोल्डर्स में कुछ चेंजेस करने हैं उस तरीके से आप करना चाहें तो वो सारी चीज़ें हैं। नेक में कुछ चेंजेस करना चाहें तो ये देखिए नेक में भी कुछ चेंजेस करना चाहें तो ये सारे के सारे चेंजेस मिल जाते हैं। और भी काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। अगर बेसिक में जाएं, क्रॉप में जाए तो आपको एआई एक्सपेंशन भी मिल जाता है जिसके थ्रू जो है ये फोटो को और इन्हेंस कर देता है, जिससे लगता है कि जो बॉर्डर जो खाली है उसको ये स्टार्ट करेंगे तो आप जितनी भी जो खाली पोर्शन है उसको ये फिलअप कर देगा, यानी कि एक तरीके से फोटो को एक्सपेंस कर देगा और एक काफी अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है। आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का रिजल्ट इसने प्रोवाइड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये देखिए पहले फोटो ऐसी थी और अब फोटो जो है आपको थोड़ी एक्सपेंड होगी कुछ इस तरीके की यहाँ पे देखने को मिली है। तो कुछ इस तरीके का जो है हाइपर ओएस का एआई के फीचर्स गैलरी में काम करते हैं। तो अभी तक आपने जो है चार फोन के अंदर जो है गैलरी के एआई के फीचर्स आप देख चुके हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जो बताएगा किसके फीचर जो है अभी तक आपको सबसे बेटर लगे। तो अब हमारे पास लास्ट डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, जिसके अंदर वन यूआई 6.1.1 यहां पे रन कर रहे हैं और इसके अंदर भी आपको काफी सारे एआई के फीचर मिल जाते हैं। आप एडिट के टूल पर जाइए, आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं। लास्ट के ऑप्शन पर जाइए तब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इरेजर का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू जो आप किसी पर्सन को यहाँ पे रिमूव करना चाहें तो कुछ इस तरीके से उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आपको इरेज करना है या रिफ्लेक्शंस को रिमूव करना है या शेडोज को रिमूव करना है। तो कुछ इस तरीके रिजल्ट मिले। इवन जो है इसकी एआई काफी एडवांस है और भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिलती है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास एक फोटोग्राफ है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे टैप करता हूँ, इसके एआई के ऑप्शन पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक स्केच टू इमेज का ऑप्शन देखने मिलता है। तो आप जो है किसी भी पिक्चर में जो है आप किसी भी तरीके की इमेजेस को यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं एक स्केच को क्रिएट करके। तो ये देखिए मैं एक यहाँ पे प्लेन बनाने की कोशिश करता हूँ और उसको शो करता हूँ कुछ किस तरीके से ये बनता है। तो ये देखिए मैं एक प्लेन बनाता हूँ और जनरेट इमेज कर देता हूँ और देखते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स जो है यहाँ पे एआई क्रिएट करता है जो हमने एक स्केच बनाया है एरोप्लेन का। तो कुछ इस तरीके से काम करता है और आपको कुछ इस तरीके के एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे आपको काफी सारे जो है उसने स्केच को जो है इमेज में कन्वर्ट कर दिया है और उस फोटो में उस इमेज को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो कुछ इस तरीके फीचर आपको मिलते हैं। यही नहीं, इवन और भी काफी सारे जो है एडवांस फीचर आपको यहाँ पे वन यूआई में देखने मिलते हैं। तो ये देखिए एआई के टूल के ऊपर जाएंगे तो आप जो है किसी भी पर्सन के जो है यहाँ पे जो कलर है उनके कपड़ों के उनको चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिसका कलर चेंज करना है उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए उसको पूरा सर्कल में। फिर उसके बाद जो है आप इसके ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके से टैप करेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा इस पर टैप करेंगे और जनरेट करेंगे। तो अब जो है आप किसी भी पर्सन के जो कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं क्लोथ्स वगैरह को उनको आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं, उनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली जो है आप देख पा रहे होंगे इन्होंने यहाँ पे कुछ इस तरीके की इमेज यहाँ पे आपको दे दी है। तो ये सारे फीचर जो है आपको यहाँ पे वन यूआई के फोन में देखने को मिलते हैं। तो बस आज का वीडियो एक छोटा सा कंपैरिजन था इन सभी फोन्स के एआई गैलरी फीचर्स के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा किसके फीचर जो है आपको सबसे बेटर लगे। आगे चल के और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।